जबलपुर मेडिकल कॉलेज जबलपुर के कोविड प्रभारी डॉक्टर संजय भारती ने कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए नागरिकों से अत्यधिक सतर्कता बरतने और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की है। डॉक्टर भारती ने कोरोना से बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने का आग्रह नागरिकों से किया है। उन्होंने लक्षण दिखाई देने पर तुरंत स्वास्थ्य परीक्षण कराने पर जोर देते हुए समय पर कोविड टेस्ट कराने और समय पर उपचार प्रारंभ कराने की भी सलाह दी है। डॉक्टर भारती ने कोरोना के संक्रमण से सुरक्षा के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों से अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन करवाने का भी अनुरोध किया है। मैं डॉक्टर संजय भारती, नोडल अधिकारी कोविड-19 मेडिकल कॉलेज जबलपुर, आप सभी से अपील करना चाहता हूं। पिछले वर्ष 2020 में हम सभी ने कोरोना त्रासदी को झेला, परंतु सभी जनमानस के शासन प्रशासन सभी के सहयोग से हम लोग उस पर विजय प्राप्त कर पाए, क्योंकि हमने मास्क का उपयोग किया, हम घरों से बाहर नहीं निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, सैनिटाइजेशन का उपयोग किया। इस तरह से हम सभी मिलकर अनुशासन में रहकर उस पर विजय प्राप्त कर पाए, परंतु अब पुनः कोरोना इन्फेक्शन तीव्रता से बढ़ रहा है। हम मेडिकल कॉलेज में देख रहे हैं कि बहुत गंभीर अवस्था में मरीज हमारे पास पहुंच रहे हैं और बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि लोग लापरवाही कर रहे हैं, अपने लक्षणों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब ज्यादा बीमारी बिगड़ रही है उसके बाद ही वो डॉक्टर के पास आ रहे हैं। हमें फिर से सचेत होना है, फिर से पुराने उसी नियमों का पालन करना है, फिर से हमें घरों से नहीं निकलना है जब तक कि आवश्यक ना हो, हमें फिर से मास्क का आवश्यक रूप से प्रयोग करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, भीड़ में जाने से बचना है। जब तक कि बहुत आवश्यक ना हो हमें घर से नहीं निकलना है। घरों में जिनके घरों में बुजुर्ग हैं, उन घरों के युवा और बच्चों को बहुत ध्यान रखना है कि वे जब तक आवश्यक ना हो बाहर ना निकले, क्योंकि वो खुद तो हो सकता है कि उनको जो इन्फेक्शन हो वो सिम्टम्स ना हो, कोई लक्षण ना दिख रहे हो, परंतु वो जब बाहर से आते हैं घर पे तो इन्फेक्शन लेकर आते हैं और वो इन्फेक्शन बुजुर्गों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, गंभीर हो सकता है। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि जब तक आवश्यक ना हो बाहर ना जाएं, और घर बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का उपयोग करें, अब अनावश्यक रूप से भीड़ में ना घुसें, और घर आने पर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। पहले की तरह हम पहले स्नान करें साफ होकर, तभी हम घर के अंदर जाएं, बुजुर्गों से दूर रहें। और जो बुजुर्ग हैं हमारे परिवार के, जैसा कि अभी 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था हो गई है, तो सभी लोग आवश्यक रूप से टीका लगवाएं ताकि बीमारी की गंभीर होने से बच सके। टीके होने से जो परिणाम सामने आए हैं कि इसमें यदि इन्फेक्शन होता भी है तो गंभीर रूप नहीं ले पाता, तो आवश्यक रूप से टीका लगवाएं। और फिर से हम आकर सभी लोग आपस में मिलें और मिलजुल कर पिछले वर्ष की तरह कोरोना पर विजय हासिल करें, अनुशासन में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, अनावश्यक रूप से घर से ना निकलें। धन्यवाद। जबलपुर कलेक्टर करमवीर शर्मा के मोबाइल पर शुक्रवार की सुबह एक मैसेज आया कि एक कोरोना पेशेंट को निजी अस्पताल में बिल की राशि पूरा न जमा कर पाने पर हॉस्पिटल में बंधक बनाकर परिवार को पूरा पैसा जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। मैसेज मिलते ही करमवीर शर्मा ने CMHO को मैसेज फॉरवर्ड करते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दरअसल केयर बाय कलेक्टर के व्हाट्सएप नंबर
500 पर बरगी निवासी संगीत जैन ने मैसेज लिखा था कि मेरे बड़े भाई संजय जैन को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण नागरा चौक स्थित एक निजी हॉस्पिटल में 28 मार्च को भर्ती करवाया गया। हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा सेमी प्राइवेट वार्ड का प्रतिदिन ₹5,000, नर्सिंग सुविधा, डॉक्टर चेकअप और अन्य सुविधा का ₹2,500, कुल ₹7,500 दर तय किया गया था और इस पर मैंने ₹40,000 पहले से ही जमा कर दिया। 2 अप्रैल को जब भाई स्वस्थ हो गया तो हॉस्पिटल प्रबंधन ने बड़े भाई की अस्पताल से छुट्टी करने की बात तो कही, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन ने हमें बिल थमा दिया। 87,659 रुपए हॉस्पिटल का खर्च और 71,379 रुपए दवाइयों के खर्च की मांग की। मेरे बड़े भाई को हॉस्पिटल में बंधक बना लिया गया और संपूर्ण जानकारी संगीत जैन ने केयर बाय कलेक्टर को भेजी। इसके तत्काल बाद जानकारी मिलते ही कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कुररिया ने तत्काल डॉक्टर प्रियंक दुबे नोडल अधिकारी और उनकी टीम को हॉस्पिटल भेजा। टीम ने मरीज के परिवार और हॉस्पिटल प्रबंधक से जानकारी ली, दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाया और मरीज को डिस्चार्ज करवाया। इस बीच अस्पताल प्रबंधक ने बंधक बनाने की बात से इनकार कर दिया। जैन परिवार ने कलेक्टर के प्रति आभार जताया और साथ ही उन्होंने कहा कि केयर बाय कलेक्टर के रूप में कलेक्टर ने ये बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई है, इससे आम नागरिकों को बहुत ही राहत और मदद मिल रही है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से जबलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्री गाड़ियों, रेलवे स्टेशन और मुसाफिर खाना पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी यात्रियों को अपने मुंह पर मास्क लगाने की हिदायत दी गई। यात्रा के दौरान मास्क लगाए रखने, समय समय पर साबुन से हाथ धोने और सैनिटाइजर का उपयोग करने की, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की भी समझाइश दी गई। रेल सुरक्षा बल द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान के तहत 102 यात्रियों से मास्क न पहनने के लिए दोषी पाए जाने पर ₹10,200 का जुर्माना वसूला गया। कोरोना से स्वस्थ होने पर शुक्रवार 2 अप्रैल को 122 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 1,663 सैंपल की प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट में 205 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से स्वस्थ हुए 122 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 17,885 हो गई है और रिकवरी रेट 91.41% हो गया है। गुरुवार की शाम 6 बजे से शुक्रवार की शाम 6 बजे तक मिले कोरोना के 205 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 19,565 हो गई है। इसके साथ ही 2 व्यक्तियों की मौत की खबर भी मिली है। जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या अब 271 हो गई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस 1,409 हैं और कोरोना की जांच के लिए 2,007 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पाटन में रविवार 4 अप्रैल को पूरे दिन लॉकडाउन रहेगा और अत्यावश्यक एवं आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर नगर परिषद सीमा क्षेत्र के भीतर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। यह निर्णय तहसीलदार प्रमोद चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आयोजित व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक में आम सहमति से लिया गया। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और इससे बचाव के उपायों के प्रति आम जनता में जागरूकता पैदा करने पर भी जोर दिया गया। तहसीलदार पाटन प्रमोद चतुर्वेदी के अनुसार रविवार के लॉकडाउन में पाटन नगर में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान और अन्य व्यवसाय बंद रखे जाएंगे। लॉकडाउन से केवल मेडिकल स्टोर, फल, दूध की दुकान और टीकाकरण के लिए पाटन अस्पताल तक लोगों को आने जाने में छूट रहेगी। जबलपुर में रोको टोको अभियान के तहत शुक्रवार को रांझी तहसील के अंतर्गत घमापुर में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर एक दुकान पूजा इलेक्ट्रिकल्स को सील कर दिया गया। कार्रवाई एसडीएम रांझी दिव्या अवस्थी की अगुवाई में राजस्व विभाग, पुलिस और नगर निगम की टीम द्वारा की गई। इस दौरान मास्क नहीं लगाने वाले 15 व्यक्तियों से भी ₹1,500 का जुर्माना वसूल किया गया। जबलपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर करमवीर शर्मा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत जबलपुर शहर में शनिवार 3 अप्रैल की रात 10 बजे से सोमवार 5 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार जिला दंडाधिकारी द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक 32 घंटे का लॉकडाउन रखने का आदेश 20 मार्च को ही जारी किया जा चुका है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान सभी दैनिक गतिविधियां, सभी निजी और शासकीय संस्थाएं, दुकान, होटल, प्रतिष्ठान, समस्त प्रकार की सामान्य आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। प्रतिबंधात्मक आदेश में यह भी साफ किया गया है कि दूध,
केमिस्ट की दुकान, अस्पतालों को छोड़कर सभी प्रकार के खुदरा थोक दुकानें, सभी मार्केट, क्लब, बगीचे, रेस्टोरेंट, खानपान की दुकानें, मंडियां सहित सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के थोक परिवहन, औद्योगिक इकाइयों और उसके श्रमिकों और कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, बाहर से आने वाले ट्रक, डंपर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से आने जाने की छूट रहेगी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को छूट रहेगी। वे अपना फोटो पहचान पत्र, टिकट दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे। मीडिया कर्मियों को भी उनके दायित्वों के निर्वहन के लिए आवागमन पर लगे प्रतिबंध से छूट रहेगी। जिला दंडाधिकारी द्वारा सभी कार्यपालिक दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को प्रतिबंधात्मक आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।